हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं ये अभी इसके पहले वाला जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था उसका हमने प्रूफ बताया। अब जब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है तो उसका कैसे करते हैं, आपको ये बताया गया कि ए पूरा एंगल, एंगल डी बी सी बराबर एंगल ए प्लस एंगल सी, और एंगल ई सी बी बराबर क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी। यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। अब इतना करने के बाद जस्ट आपको इस पे आ जाना है कि ए एंगल कितना है, ए एंगल कितना है, क्योंकि ए एंगल कितना है, ए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है और बी ओ क्या है उसका बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो इस एंगल की वैल्यू वन बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का हाफ एंगल ए प्लस सी बाई टू, वही कर दिया गया है। और एंगल टू बराबर क्या हो गया, एंगल ए प्लस सी बाई टू, इसका हाफ कर देंगे तो एंगल टू मिल जाएगा। ये नाउ इन ट्रेंगल बी ओ सी, बी ओ सी ट्रेंगल लेंगे तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक है, बी ओ सी प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू 180 डिग्री। अब चूंकि हमें क्या चाहिए, बी ओ सी चाहिए, तो बाकी सबको हमने क्या किया उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 180 माइनस एंगल, देखो ए इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, दोनों को ऐड कर लिया तो क्या हुआ ए प्लस एंगल सी प्लस ए प्लस बी। अब ए को हमने क्या किया सेपरेट कर लिया और एंगल ए प्लस बी प्लस सी बाई टू कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, चूंकि ए ट्रायंगल है, तीनों एंगल का सम इसका क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना 180 होता है, बाई टू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया। तो 180 माइनस 90, ठीक है, कितना होगा 90, तो एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा 90 माइनस ए बाई टू, ठीक है। तो ये तो हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ट्रायंगल का, जो कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो इस एंगल से कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द एंगल बाइसेक्टर वन बेस एंगल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल, मतलब ये कहना चाहते हैं अगर ये ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर हो और इसका एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से क्यू टी हो और ए इसका एंगल बाइसेक्टर हमारे के आर टी हो, ये दोनों आपस में जहाँ पे मीट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होगी कितना आएगी क्यू पी आर, मतलब इस वर्टिकल एंगल का जस्ट क्या होगा हाफ, मतलब एंगल पी बाई टू होगा, ठीक है। ए हमें प्रूव करना है तो इसके लिए हमने क्या किया, वो सिंपलिसिटी करने के लिए हमने मान लिया कि ए क्या है एक्स है, ठीक, ए क्या है हमारा क्या वाई है, ठीक, क्योंकि ए जब वाई है तो ये कितना हो जाएगा ए भी वाई होगा, अगर ए एक्स है तो ये कितना हो जाएगा ए भी एक्स होगा, क्यों, क्योंकि ए लाइन हमारे क्या बाइसेक्टर काम कर रही है, ए लाइन अगर हमारा बाइसेक्टर काम कर रही है और ए अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स होगा। अब यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर की बात कर रहे हैं हम, तो पी क्यू आर में हमारा ए जो लाइन है क्या है एक्सटीरियर साइड है, इसको एक्सटेंड करके एक्सटीरियर हो गया और ए एंगल पूरा क्या है एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से पूरा एंगल वाई, एंगल वाई का मतलब क्या है ए हमारा ए वाई है तो भी कितना हो जाएगा वाई, तो मतलब कि ए एंगल मतलब पी आर, इसको आप कुछ भी मान लो, ठीक है, पी आर एक्स ए हमारा कितना होगा टू वाई हो गया, ठीक है, यहाँ से आते की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू वाई होगा, तो टू वाई बराबर क्या हो गया एंगल पी प्लस एंगल टू एक्स, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ ट्रायंगल क्यू टी आर, मतलब यहाँ पे जो दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो पहले पी क्यू आर ले लीजिए, इसमें जो एक्स एंगल बना है उसका इक्वेशन बना लीजिए, ठीक, फिर दूसरा जो क्यू टी आर आपको दिख रहा है ये दूसरा ट्रायंगल लेने के बाद, फिर यहाँ पे क्यू टी आर हमारा कैसे बना, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ए क्यू टी आर बना हुआ है, तो यहाँ पे ए जो एंगल है, ठीक, क्यू टी आर ए वाला एंगल, ए कितना हमारा वाई है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस क्यू टी आर, वो हमने लिख दिया, तो वाई बराबर एक्स प्लस क्यू टी आर, लेकिन अगर फर्स्ट बना है सेकंड बना है, अब इक्वेशन सेकंड का यूज फर्स्ट में कर देना बस आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको कोई भी यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप इस मेथड से लगाएंगे जैसे मैंने लगाया है तो आई होप आपको एकदम आसान ही रहेगा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से और कभी भी न भूलने वाले तरीके से आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वाई का हम वैल्यू इससे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 इंटू एक्स प्लस क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर प्लस 2x, अब अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 2x प्लस 2 क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर प्लस 2x, अब 2x से 2x कट गया, सिंपल रिजल्ट आपके पास क्या आएगा 2 क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर,
या क्यू टी आर आपका 1/2 क्यू पी आर, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको जो है समझने की कोशिश करिए और इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस करिए, तो कभी भी ये रिजल्ट आपको भूल नहीं सकता और प्रूफ करने के लिए अक्सर आता है। ठीक है, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आपका चाहे हाफ ईयरली हो चाहे टर्म का हो, ठीक है, चाहे यूनिट हो, तो अगर ये आपका चैप्टर इंक्लूड है तो ये क्वेश्चन हमेशा से ही पूछा जाता रहा है। तो इसको प्रूफ करने के लिए कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिए, क्यू पी आर में हम एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, क्यू टी आर में एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और दोनों के रिजल्ट का यूज कर देते हैं, बस हमारा रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।